हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। और यहां पर आज के सेशन में हम आपके लेके आए हैं इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ गैट बी 2022। जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है गैट बी 2022 का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, एक बार जानते हैं सर। हाँ, तो देखो, सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो पहली चीज तो आपको बता दूं कि जो गैटबी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन है, किसी भी तरीके से ऑफलाइन का कुछ भी लेन देन है नहीं यहां पर। तो वो स्टार्ट कब हो रहा है, तो यहां पर ऑलरेडी 11 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है, 11 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है और ये 31 मार्च तक रहेगा up to 5 PM। लेकिन आपको 31 तक जाना नहीं है, उसके पहले ही आपको गैटबी का फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट 2 डेज में सारे के सारे स्टूडेंट गैटबी का फॉर्म फिल करेंगे और लेट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर बोला है लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस भरने की डेट जो है वो है 31 मार्च। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जाना ही नहीं हमें 31 मार्च तक, ठीक है। मार्च एंड में वैसे भी बहुत सारा हेक्टिक होता है, बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर जो देखते हो आपकी लास्ट डे पे पेमेंट करते हैं और पेमेंट नहीं हुआ सर, अब दिक्कत आ रही है, साइट रीच नहीं हो रही है, फिर हमें कॉल करते हैं, पैनिक करते हैं, ये नहीं करना है। आपको अगले 2 दिन में ही सारे जो भी यहां पर एप्लीकेशन में करना है वो आपको भरना है, और उसमें अगर आपको डाउट है तो हमें आपको अप्रोच करना, आप हमें अप्रोच करेंगे, ठीक है। करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली टू बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट। अगर मान लो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कुछ गलती की, फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ का स्पेलिंग डबल डी था, उसमें आपने एक ही डी भर दिया और आपका स्पेलिंग गलत हो गया, 10th के मार्कशीट पे आपका ये अलग और यहां पर अलग, तो उसके लिए भी आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा, एक डेट अनाउंस होगी और वो डेट कब होगी ये आपको हम इसी चैनल पे बता देंगे। एक बार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये तो सबको पता है, सबके रोंगटे खड़े हो चुके हैं, सबकी यहां पर मतलब धड़कन दिल की तेज हो चुकी है, क्योंकि एग्जाम जो है अनएक्सपेक्टेडली यहां पर 23 अप्रैल को हो रहा है, ठीक है गाइस। तो यहां पर अब सिद्धार्थ सर आपसे कुछ कहेंगे। देखो सर ने बता दिया भाई डेट वगैरह क्या है, सर ने एक एक चीज बता दी, और बताना भी बहुत जरूरी है क्योंकि डेट सब तक नहीं बताओगे तब तक काम नहीं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट डेट है आपकी फॉर्म आ गया, ठीक है, बट लास्ट डेट बताई सर ने 31st of March। हमें जब पता है कि हमें वो चीज करनी ही है तो हम 31 मार्च तक क्यों रुके। बेटा आपके भले के लिए कह रहे हैं, कई बार मेरे साथ भी हुआ है, हम फॉर्म का लास्ट तक वेट करते हैं, लास्ट डे पे क्या होता है कभी कभार साइट का सर्वर डाउन है, कभी कभार हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम कर देता है। तो हमें जब फॉर्म भरना ही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अभी से भरेंगे। बट आपको फॉर्म में दिक्कत ना हो इसके लिए कल एक लाइव होने वाला है जिसमें मैं और डीजे सर आपके साथ लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, ठीक है। तो एक दिन का वेट करो, आराम से साथ में फॉर्म फिलअप करेंगे। दूसरी चीज सर ने बताई है पेमेंट 31st of March 2022 11:50 PM। बेटा इसके बाद पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, हमें वहां तक जाना ही नहीं है। हमारे पास आज कितना है, आज आपके पास 14 तारीख है, बहुत इसी हफ्ते में सभी बच्चों का फॉर्म कंप्लीट हम करा देंगे, ठीक है। कल या मोस्ट प्रोबेबली परसों आपके साथ लाइव आ रहे हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है ना, ठीक है। तो गाइस फिर आज के इस सेशन में इतना ही था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेट से ये वीडियो अगर आपने देखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी फॉर्म भरेंगे आपके साथ लाइव, जब फॉर्म भरेंगे आपको पता लग जाएगा एक दिन पहले ही कि कब हम लाइव आने वाले हैं, टोन भरेंगे ना। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू गाइस, 5 बजे अपना, थैंक यू सो मच।